अम्बाला की केंद्रीय जेल जो कि 1872 में बनी थी, देश की सबसे पुरानी जेलों में से एक है। अम्बाला जेल में इसी साल 26 फरवरी को जेल रेडियो की शुरुआत हुई थी, जिसके बंदी 6 जॉकी के रूप में काम कर रहे हैं। जेल रेडियो ने अम्बाला की जेल में 10 साल की सजा काट रहे 40 वर्षीय शेरू को एक गीतकार और गायक के रूप में पहचान दी है। शेरू ने कोरोना जागरूकता पर एक पंजाबी गाना भी गाया है, जिसकी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी तारीफ की है। बता दें, 1872 में बनी अम्बाला की केंद्रीय जेल देश की सबसे पुरानी ऐतिहासिक जेलों में शामिल है। इसके अलावा अम्बाला की सेंट्रल जेल हरियाणा की 3 केंद्रीय जेलों में से एक है, जहां जेल रेडियो की शुरुआत की गई थी। दरअसल अम्बाला जेल रेडियो का उद्घाटन इसी साल 26 फरवरी को हुआ था। अम्बाला जेल में 6 बंदी रेडियो जॉकी के लिए ऑडिशन में सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग वर्षाक में प्रशिक्षित हुए थे, जो अब अम्बाला जेल में रेडियो जॉकी की भूमिका निभा रहे हैं। जेल रेडियो बंदियों की संचार की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से शुरू की गई थी। कोरोना के दौर में जेल रेडियो बंदियों के मानसिक संबल को बनाए रखने में काफी मददगार साबित हुआ। अम्बाला जेल रेडियो पर रोज 1 घंटे रेडियो का प्रसारण होता है, जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्टूडियो से संचालित होता है। अम्बाला के केंद्रीय जेल में 10 साल की सजा काट रहे 40 वर्षीय शेरू को जेल रेडियो ने एक गीतकार और गायक के रूप में एक नई पहचान दी है। दरअसल शेरू ने कोरोना के मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिए एक पंजाबी गाना लिखा, जिसकी शुरुआत में कोरोना तो बच बंदिया पता नहीं कदों किनू लग जाना, मुंह ते मास्क लगा ला तू नहीं ते तू दुनिया तो जाना। तब से बंदी अपने अपने प्रोग्रामों को लेकर कुछ ना कुछ नया तैयार करते रहते हैं। इस बंदी ने, जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ना के बराबर पढ़ा लिखा है, पर इसमें गाने का जज्बा बहुत अच्छा है और गाता भी बहुत अच्छा है, तो इसने कोरोना महामारी को लेकर एक गाना लिखा है, जो कि हमारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो उसको कल माननीय सेहत मंत्री हमारे जो सेंटर के हैं, उन्होंने भी काफ़ी तारीफ की है कि बंदी ने बहुत अच्छा गाना गाया है, और इससे अवेयरनेस जेल में जो फैलती है उसमें भी काफ़ी मदद मिली है, क्योंकि इसका हम समय समय पे गाना जेल में चला रहे हैं। अभी एक बार तो 1 घंटे के लिए चलाया जा रहा है, पर बंदियों की डिमांड को देखते हुए इसको अब दिन में शाम, अभी तो 11 से 12 बजे चलाया जाता है, तो उसके बाद 1 घंटा और ऐड करने की सोच रहे हैं। इसमें जी, एक तो बंदियों को आपकी फरमाइश के टाइप की, उससे परिवार से जुड़ा कोई गाना या जिससे उसकी यादें जुड़ी हो, बंदी अपनी अपनी डिमांड लिख के हमारे जो ड्यूटी लगी हुई है उसको देते हैं, तो समयबद्ध तरीके से उनको कैसे उनकी डिमांड को पूरा किया जाता है। उसके अलावा सेहत से जुड़ी जानकारी दी जाती है, कोरोना के बारे में अवेयरनेस दी जाती है उनको, और उनके केसेस या जो भी आजकल दुनियादारी की खबरें हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है रेडियो के माध्यम से। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।